एवरीवन, आई एम प्रीति। आज का रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी एक्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर वो कैसे सिचुएशन में है, कैसे कंडीशन में है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन एनर्जी, इफ दिस कैन बी फॉर वन एक्स, मोर देन वन एक्स। अगर आपके जिंदगी में बहुत सारे एक्सेस रह चुके हैं तो आप जिसके बारे में सोचना चाहते हो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके कर सकते हो, या फिर एक से ज्यादा लोगों के बारे में भी सोच सकते हो। सो इट्स अबाउट द एक्स एनर्जी, जिसने आपको छोड़ के किसी और को अपनाया, सो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। या फिर अपना नहीं, किसी और को भी अपनाया तो भी चलेगा, बस मतलब इट्स लाइक दैट कि उन्होंने आपको आपके साथ में रिश्ता अभी नहीं है, उस इंसान का एक्स बन चुका है, ठीक है। सो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, या वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो आपके लिए जरूर कुछ सोच रहे हैं, इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आया है। अभी देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहा है उनके तरफ से हमारे पास। सो वी हैव गॉट फ्यू कार्ड, मुझे और एक कार्ड लेने का मन है। वन मोर कार्ड आई विल टेक। वाओ वाओ, यस, ठीक है, ओके। मैं कार्ड सब सबको दिखा देती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं सारे चीजें एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो ये इंसान हैप्पी तो है नहीं, ठीक है। ये इंसान सबसे पहले कार्ड हमें चैरियट का मिला था, तो आपके तरफ आना चाह रहा है, ठीक है, चीजों को बैलेंस करके। क्योंकि यहाँ पे हमें येन एंड यांग दिख रहा है, व्हाइट एंड ब्लैक की एनर्जी, तो चीजों को बैलेंस करके आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है, या कर सकता है, आपके तरफ आने का सोच सकता है। हार्ड वर्क कर रहा है अपने फिनेंसिस के ऊपर, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर, थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करने की, थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की वो कोशिश कर रहा है अभी भी। उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, हैप्पी नहीं है बिल्कुल भी, सिचुएशन बहुत खराब है इसके लाइफ में। ओवरथिंकिंग के ऊपर ओवरथिंकिंग चल रही है, ये बहुत ज्यादा टेंशन वाली एनर्जी है, टेंशन वाले वाइब्स में दिख रहे हैं। आपके तरफ आने का इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी है, कहीं ना कहीं वो इमोशन से भाग रहे हैं। हो सकता है कि लाइफ में ऐसे उन्होंने हार्ट ब्रेक या ऐसा कुछ देखा है, या उनकी लाइफ में जैसे एक्सपीरियंसेस उनको मिल चुका है, उसके लिए थोड़ी सी इमोशन से भागने का भी उनको, उनके अंदर ऐसा भी एनर्जीज है, थोड़ी सैडनेस है, दुखी एनर्जीज है, बट आपको ऑफर करने का सोच रहे हैं, आपके तरफ कम्युनिकेट करने का बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। काफी ज्यादा दुखी यहाँ पे मुझे वो दिख रहे हैं। ये कार फोल्ड होके गिरा था, तो काफी ज्यादा वो दुख को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दुखी है, काफी हार्ट ब्रोकन है। आपके साथ में ये वाला जिंदगी वो डिजायर करते हैं। टेन ऑफ कप्स, मुझे इसको बोलने की जरूरत नहीं है, जो लोग कार्ड रीडिंग देखते हैं उन सबको पता है टेन ऑफ कप्स मतलब फुलफिलमेंट होती है, बेस्ट लाइफ, फैमिली लाइफ होती है। लेकिन वो स्ट्रेसफुल हो रहे हैं कि कैसे ये चीज किया जाए। उन्होंने ऑलरेडी आपको छोड़ा हुआ है, एक्स है ना, छोड़ा हुआ है, सो कैसे चीजों को किया जाए। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि वो बहुत हैप्पी है, फुल की एनर्जी में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर हमें पता है कि बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है। एंड देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस उनके तरफ से आपके लिए आता है। ओके, सो सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने लाइफ में कोई एक सिचुएशन को सेलिब्रेट करने की। हो सकता है उनको कोई विक्ट्री मिली है, कोई जीत मिला है, कहीं पे कुछ अच्छा चीज हुआ है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में गेट टुगेदर कर रहे होंगे। थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हायरोफेंट का कार्ड, एंड आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देखते हैं, आपको इस नजर से देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो सिचुएशन को, बहुत ही आपको एज अ स्टार भी देखते हैं, एज अ हीलर देखते हैं, ठीक है। आप इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड हो कि आपको वो कोई भी दुनिया में चाह कर भी तोड़ नहीं सकता, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो, तो इस चीज को वो समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ये चीज आपको बहुत ज्यादा वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं आपका नाम दिख रहा है उनको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, तो वो कुछ
कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करने का कोशिश कर रहे हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे तो कैसे करे या करे भी या नहीं, तो थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हैं। कहीं काफी ज्यादा एंग्शियस भी यहाँ पे दिख रहा है उनकी एनर्जी। लवर्स का कार्ड वापस से आपके तरफ प्यार है, आपके तरफ इमोशंस है, कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं आपके साथ में, जिसके लिए शायद आप भी बहुत खिंचा खिंचा सा महसूस कर रहे हो उनके तरफ। आपको भी मन हो रहा है कि उनसे बात करें, उनके साथ में अगर दो चार बातचीत हो जाए तो फिर आपको भी बहुत ज़्यादा ऐसा मन हो सकता है कि हो रहा हो, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा उनके साथ में बिताए हुए पल का या फिर उनके साथ में वापस बात करने की इच्छा, ये सब चीज़ें फील कर रहे हो आप में से बहुत कोई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया है यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स, विच शोज कि वो आपकी तरफ आएंगे, वो आपसे अपोलॉजी भी मांगेंगे। अभी वो अपने फिनेंसिस को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा जगल भी कर रहे हैं कि आए या ना आए, आए या ना आए, क्योंकि ये सारे कार्ड से पहले मुझे लास्ट में ये वाला कार्ड आया था, क्योंकि पहले वाला ये आया था कि एक्शन वो लेना चाह रहे हैं, थोड़ा जगल कर रहे हैं कि आए या ना आए, क्या बोले, वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे आपके सामने आए, बट वो आएंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि वो आपके तरफ मतलब अभी अपने फिनेंसिस को थोड़ा बेहतर करने पे लगे पड़े हैं, फिनेंसिस को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। एंड सिक्स ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि वो आपके तरफ आएंगे, ठीक है, वो आपके तरफ जरूर से जरूर से जरूर से जरूर से जरूर आएंगे, अपोलॉजी भी मांगेंगे। उनको एक बार में ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, देखिए कि उनको क्या बोलना है अगर आपको मन है, अगर क्योंकि दिस डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू, कि अगर आपको मन है उनकी बातों को सुनने का तो जरूर सुनिए कि उनको क्या बोलना है, एंड वो आपके तरफ जरूर आएंगे, ठीक है। वन लास्ट गाइडेंस एंड मैसेज कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू, अपना मेहनत अपने लाइफ के ऊपर करते रहिए, उनको इतनी जगह देने की, अगर उनके साथ में आपका पैचअप होता भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ पैचअप होगा, अगर होता भी है तो आपको उनको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर ही फोकस रखिए। उनके तरफ से एक शिव पार्वती का हमें मैसेज आया है, तो शिव पार्वती की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ठीक है। विश्वास रखिए भगवान के ऊपर। एक और मैसेज कार्ड, यू आर माई सोलमेट, आई एम सो लकी, ये वो फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको शायद आपको छोड़ के किसी और के पास गए थे तो वहाँ पे बहुत तगड़ा उनको सबक मिला है, जिससे कि उनको समझ में आया है कि उन्होंने कितना रॉन्ग किया था आपके साथ में। सो जरूर आई एम सो मच एडिक्टेड टू यू, वो एडिक्टेड है तो उनको सबक मिला है, तो जरूर इस वजह से वो आएंगे वापस। लेकिन जैसे मैंने बताया, खुद के ऊपर फोकस से नहीं हटाना है आपको, वो बना के रखना है, हल्के फुल्के में देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, डिविनिटी को बना करके रखनी है, भगवान को विश्वास रखना है, क्योंकि अगर आप वापस से फिसले तो दर्द आपको ही होगा, तो वो याद रखिएगा। एंड झगड़ने की भी जरूरत नहीं है, उनको सबक सिखाने की बोलने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना है, जैसे द्रौपदी जब रो रही थी और कृष्ण भगवान को कहा था कि मैं इतनी भक्त हूँ आपकी, फिर भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, तो फिर भगवान ने बोला था कि तुम्हारे साथ गलत इसलिए नहीं हुआ कि तुम अच्छी हो या फिर कुछ तुम्हारे साथ में कुछ था, जिन लोगों ने गलत किया वो लोग खुद ही खराब है, इसीलिए हुआ, तुम बस उन्हें माफ करके छोड़ दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे उनको सबक सिखाने दो, मैं उनको सबक सिखाऊंगा और उनको सबक जरूर मिलेगा, लेकिन तुम इस दर्द से मुक्त हो जाओ। सो वही चीज मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि आप खुद इस दर्द से मुक्त हो जाओ। अगर आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क करता है, ब्लैक मैजिक करता है या कुछ भी कोशिश करता है, कृष्ण भगवान के ऊपर पूरी तरीके से, या जिस किसी भगवान को आप मानते हो पूरी तरीके से उनके ऊपर विश्वास रखो। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कर रहे थे, उनका काम ही है अपने प्यार मतलब प्यारे भक्त या अपने जो करीबी भक्त को वो दोस्त के नज़र से देखते हैं, आप जिस नज़र से उन्हें देखोगे उसी नज़र से वो देखेंगे। अपने करीबी भक्तों को, अपने अपने दोस्त को, अपने मित्र को प्रोटेक्ट करना वो उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है, वो चीज़ वो करेंगे। आपको निस्संदेह होके उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने कर्म करते जाना है, बाकी सब वो संभाल लेंगे, ठीक है। सो आज की रीडिंग यही तक थी। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9038758400। तब तक के लिए बाय बाय।